दोस्तों क्या आप जानते हैं टॉयलेट सीट में पानी होने के पीछे का क्या कारण है, या फिर ये कि सिर्फ ज़ेब्रा के शरीर पर ही सफेद और काली धारियां क्यों होती हैं, किसी और जानवर की क्यों नहीं? और क्या कभी आपने ये सोचा है कि स्क्रू यानी कि पेच, उसका जो हेड है वो अलग अलग तरह का क्यों होता है? भाई एक तरह के स्क्रू हेड से भी तो हम काम चला सकते हैं। नहीं जानते आप ये बातें तो कोई बात नहीं, लेकिन आप ये तो जानते होंगे कि भारतीय पुलिस की वर्दी का कलर भाई खाकी क्यों होता है, जबकि ज्यादातर देशों की पुलिस की यूनिफॉर्म का कलर डार्क ब्लू होता है। दोस्तों आज मैं आपको इन सब फैक्ट्स के बारे में बताऊंगा। जी हाँ, अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये एपिसोड। दोस्तों जब भी आप टॉयलेट सीट को यूज करते हैं तो आपके मन में ख्याल तो आता ही होगा, भाई टॉयलेट सीट में पानी हमेशा क्यों मौजूद होता है? आपने इसको जानने की काफी कोशिश की होगी, लेकिन इसके पीछे के लॉजिक को आप पता नहीं कर पाए होंगे। तो दोस्तों आज मैं आपको इसके पीछे छिपी हुई साइंस के बारे में बताता हूँ, ठीक है? आप इस पिक्चर को जरा ध्यान से देखिए। दोस्तों टॉयलेट सीट के तीन मेन पार्ट्स होते हैं, ठीक है? जो टॉप पर है उसको टैंक कहते हैं, और बीच का जो पार्ट होता है ना जिसमें पानी मौजूद होता है इसे बाउल कहते हैं, और सबसे नीचे का जो पार्ट होता है उसे कहते हैं साइपन, जिसमें से वेस्ट मटेरियल और पानी गटर की ओर जाता है। साइपन पार्ट में दोस्तों एस टाइप का बैंड होता है, यानी जो इसका शेप है ना वो अंग्रेजी का अक्षर एस जैसा होता है, जिसमें पानी टिका रहता है। दोस्तों इस स्टेप बैंड में मौजूद पानी एक तरह से वाटर सील की तरह से काम करता है। ये पानी गटर की गंदी स्मेल को हमारे टॉयलेट सीट के रास्ते बाथरूम में आने से रोकता है। अगर दोस्तों हम एस टाइप बैंड यूज ना करें, अगर उसकी जगह कोई सिंपल सा पाइप यूज करें जो सीधा होता है, तो ऐसे में गटर की गंदी स्मेल आपके वॉशरूम से होती हुई आपके पूरे घर में फैल जाती, जिसकी वजह से आपको काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। दोस्तों जब भी आप किसी पेच यानी स्क्रू को टाइट करते हैं तो आपके मन में ख्याल आता होगा कि स्क्रू हेड यानी पेच का सिर एक जैसा क्यों नहीं होता, और इनके अलग अलग होने की भाई वजह क्या है? दोस्तों स्क्रू हेड अलग अलग होने की वजह से आपको स्क्रू ड्राइवर भी अलग अलग यूज करने पड़ते हैं। अगर सभी स्क्रूज का स्क्रू हेड एक जैसा होता तो भी काम चल सकता था, लेकिन दोस्तों आप यहाँ गलत हैं। मैं यहाँ बताना चाहता हूँ कि इंडस्ट्री रेवोल्यूशन की शुरुआत में स्लॉटेड हेड स्क्रू को यूज करते थे, जैसा कि आप पिक्चर में देख रहे हैं। इसको ज्यादातर यूज करने की देखिए दो बड़ी वजह थी। एक तो ये थी कि इनको बनाने में जो कॉस्ट थी ना वो काफी कम थी, और साथ ही साथ इनको काफी आसानी से बनाया जाता था, और हाथ से यूज होने वाले स्क्रू ड्राइवर के साथ इसे आसानी से टाइट भी कर सकते थे। और फिर कुछ सालों के बाद इलेक्ट्रिक स्क्रू ड्राइवर की इन्वेंशन यानी कि खोज हुई, और दोस्तों जो स्लॉटेड हेड स्क्रू था वो इलेक्ट्रिक स्क्रू ड्राइवर के लिए उचित नहीं था, क्योंकि जब स्लॉटेड हेड स्क्रू को इलेक्ट्रिक स्क्रू ड्राइवर के साथ टाइट करने की कोशिश करते थे तो इलेक्ट्रिक स्क्रू ड्राइवर उस पर से स्लिप हो जाता था, क्योंकि लाइन थी वो एक थी जो कि पावर ऑपरेटेड स्क्रू ड्राइवर के लिए बिल्कुल भी उचित नहीं थी। और इसी कमी को पूरा करने के लिए जन्म हुआ फिलिप हेड स्क्रू का, जो कि इलेक्ट्रिक स्क्रू ड्राइवर के साथ काफी स्मूथली काम करता था, क्योंकि इसमें दो लाइन्स थी। इस वजह से इलेक्ट्रिक स्क्रू ड्राइवर फिलिप हेड स्क्रू के साथ अच्छे से काम करता था। और फिर बाद में 1900 के दशक में फोर्ड कंपनी ने रॉबर्टसन हेड स्क्रू को बनाया, और अपनी कार मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स में वो आज भी इसी स्क्रू हेड को यूज करते हैं। तो दोस्तों अलग अलग स्क्रू हेड यानी कि पेच होने की एक ही वजह है, वो है उनको कहां यूज करना है। भाई कुछ कामों के लिए स्लॉटेड हेड स्क्रू अच्छा है, तो कुछ कामों के लिए फिलिप हेड स्क्रू। दोस्तों अगर मैं आपसे ये बात कहूं आपको गुड़गांव से नोएडा जाना है, और वो भी बिना लेफ्ट टर्न लिए, यानी कि आप राइट मोड़ सकते हैं लेकिन लेफ्ट नहीं, एक मिनट के लिए आपको ऐसा लगेगा बॉस मतलब ये तो इम्पॉसिबल है, ऐसा आपके दिमाग में आना स्वाभाविक भी है, क्योंकि बिना लेफ्ट टर्न लिए तो आप कभी भी अपनी मंजिल पर पहुंच ही नहीं पाएंगे। लेकिन दोस्तों एक ऐसी भी कंपनी है जो लेफ्ट टर्न नहीं लेती, जी हाँ वो है UPS, बोले तो यूनाइटेड पार्सल सर्विस, जो कि एक अमेरिकन कंपनी है। इसका मुख्य काम है पार्सल्स की डिलीवरीज। दोस्तों इस कंपनी की एक पॉलिसी है जिसका नाम है नो लेफ्ट टर्न पॉलिसी। इस पॉलिसी के तहत कंपनी की डिलीवरी गाड़ियां लेफ्ट टर्न नहीं लेती जब तक इसको जरूरत ना हो। फॉर एग्जाम्पल वो सिर्फ 100 टर्न में से सिर्फ एक या दो ही लेफ्ट टर्न लेती है। और दोस्तों इस पॉलिसी की वजह से कंपनी सालाना 2500 करोड़ भारतीय रुपीस का वो तेल बचाती है, और साथ ही साथ एमिशंस काफी कम होता है। इस एमिशंस को हम काउंट करें तो ये 20,000 पैसेंजर्स कार के जितना होता है, जो कि एक बहुत बड़ी बात है। और अब बात करें तो डिस्टेंस की, तो भाई इस पॉलिसी के तहत कंपनी सालाना 16 करोड़ किलोमीटर बचाती है, यानी कि कंपनी की गाड़ियां 16 करोड़ किलोमीटर कम चलती हैं। दोस्तों कंपनी अपना खुद का GPS सिस्टम यूज करती है। इस सॉफ्टवेयर का नाम है ओरियन, और इस सॉफ्टवेयर को डेवलप करने में कंपनी को 10 साल लग गए थे। और अब बात करें कि अगर आप इस पॉलिसी को यूज करें तो क्या आप भी अपना पैसा बचा सकते हैं, तो मैं कहूंगा जी नहीं, क्योंकि ये मेथड प्रीप्लान्ड डिलीवरीज के लिए काम करता है। डिलीवरीज को इस हिसाब से सेट किया जाता है कि लेफ्ट टर्न कम से कम हो जाए। ड्राइवर का जो GPS है उसमें रूट पहले से ही होता है, और ड्राइवर को बस वो शेड्यूल ही फॉलो करना होता है। साथ ही साथ कंपनी नॉर्थ अमेरिका और यूरोप में अपना बिजनेस ऑपरेट करती है, जहाँ पर रोड नेटवर्क काफी सटीक प्लानिंग के साथ बनाया गया था। देखिए इंडिया में ये चीज बिल्कुल इम्पॉसिबल सी लगती है,
इंडिया बहुत पुरानी कंट्री है और मैक्सिमम शहर बिना किसी प्लानिंग के बनाए गए थे। दोस्तों, जब भी आप कोई हॉलीवुड मूवी देखते हैं तो आपने एक चीज नोटिस की होगी, पुलिस की यूनिफॉर्म डार्क ब्लू होती है ना? और दुनिया के ज्यादातर देशों की पुलिस की यूनिफॉर्म भाई डार्क ब्लू ही होती है, जबकि दोस्तों इंडिया में पुलिस की यूनिफॉर्म खाकी कलर की होती है। क्या आप जानते हैं इसका कारण क्या है? कि बाकी देशों में पुलिस की यूनिफॉर्म डार्क ब्लू कलर की होती है, जबकि इंडिया में ये खाकी कलर की ही क्यों होती है? अगर आप नहीं जानते तो चलिए आज मैं आपको भारतीय पुलिस की यूनिफॉर्म का कलर खाकी होने की वजह बताता हूँ, ठीक है? दोस्तों, ब्रिटिश शासनकाल में भारतीय पुलिस की वर्दी का रंग सफेद होता है। ड्यूटी लंबी होने के कारण पुलिस वालों की वर्दी जल्दी गंदी हो जाती है, क्योंकि वर्दी का कलर सफेद होने के कारण वर्दी पर मौजूद धूल मिट्टी आसानी से दिखती थी, जिसके कारण सभी पुलिस वाले परेशान रहते थे। इससे बचने के लिए पुलिस वालों ने सफेद यूनिफॉर्म को कई तरह के कलर से रंगना स्टार्ट कर दिया, और फिर बाद में चाय पत्ती को डाई की तरह यूज किया गया, जिससे मिलकर तैयार हुआ खाकी कलर। दोस्तों, खाक का हिंदी मतलब होता है मिट्टी का रंग। खाकी कलर होने की वजह से दोस्तों उसमें अब वर्दी जल्दी गंदी नहीं होती थी, और फिर 1887 में ऑफिशियल तौर पर खाकी कलर को पुलिस की यूनिफॉर्म के लिए अपना लिया गया, जो कि आज तक निरंतर जारी है। अच्छा, क्या आप जानते हैं तकिए का इतिहास क्या था और इसके इस्तेमाल का जो मेन पर्पस था वो क्या था? अगर नहीं जानते तो चलिए इसके बारे में आपको बताता हूँ। देखिए, अपने कंफर्ट के लिए तकिए का इस्तेमाल तो हम सब करते हैं, और इसके बिना शायद हमारा गुजारा भी यार मुश्किल ही है। लेकिन क्या आप तकिए का इतिहास जानते हैं? सबसे पहले इसका इस्तेमाल कहाँ किया गया और इसका यूज करने का मेन पर्पस क्या था? दोस्तों, तकिए का इतिहास 9000 साल पुराना है। बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। इराक में एक पत्थर को आधे चांद के आकार में काट कर तकिए के रूप में इस्तेमाल किया जाता था। हालांकि उस समय इसके इस्तेमाल का मेन पर्पस आराम यानी कि कंफर्टेबल नहीं था, बल्कि सुरक्षा यानी कि सेफ्टी के लिए था। सोते समय कीड़े मकौड़े कान नाक या मुंह में ना घुस जाएं, इसलिए ये लोग अपना सर इस पत्थर पर रखकर सोते थे, ताकि सर जमीन से ऊंचा रहे। इसी प्रकार के पत्थर से बने तकिए का इस्तेमाल चीन और इजिप्ट के लोग भी किया करते थे। इजिप्ट के लोग सर को पवित्र और शरीर का मुख्य अंग मानते थे, इसलिए अपना सर इन पत्थरों पर रखकर सोया करते थे। प्राचीन ग्रीक और रोमन में पंख या भूसे से तकिया बनाया जाता था। ये लगभग आधुनिक तकिया जैसा ही था, लेकिन लोग इसको बीमारी का प्रतीक मानते थे, और सिर्फ बीमार लोग या प्रेग्नेंट औरतें ही इस तकिए का इस्तेमाल करती थीं। फिर धीरे धीरे तकिया सभी को अपनी ओर आकर्षित करने लगा, और आज हम सब तकिए के बिना अपनी नींद पूरी ही नहीं कर सकते। और आज तकिया लेने का सिर्फ और सिर्फ एक ही कारण है, वो है हमारा आराम यानी कि हमारा कम्फर्ट। दोस्तों, ज़ेब्रा की बॉडी पर बनी खूबसूरत काली और सफेद धारियां हर किसी को अपनी ओर अट्रैक्ट करती हैं। वैज्ञानिक भी ज़ेब्रा की स्ट्रिप्स की ओर अट्रैक्ट हुए। देखिए, वैज्ञानिकों के अट्रैक्ट होने की एक वजह ये भी थी कि उन्हें ये बात जाननी थी कि ज़ेब्रा की बॉडी पर स्ट्रिप्स क्यों होते हैं, और इसको जानने के लिए वैज्ञानिकों ने काफी सारे एक्सपेरिमेंट्स किए। पहले वैज्ञानिकों ने सोचा कि ये सफेद और काली धारियां कैमोफ्लेज का काम करती हैं, यानी कि शिकारी की आंखों को धोखा देने का काम करती हैं। जैसे कि जो हमारे फौजी भाई होते हैं वो हरी और खाकी कलर की यूनिफॉर्म पहनते हैं, ताकि दुश्मन की आंखों को धोखा दे सके, जिससे दुश्मन को लगे कि ये कोई पेड़ पौधा है और उनको जंगल में ढूंढना मुश्किल हो। तो यही चीज भाई ज़ेब्रास के साथ है। साथ ही साथ वैज्ञानिकों ने ये बात भी सोची कि धारियों की वजह से ज़ेब्रा एक दूसरे को पहचानते होंगे, यानी कि कहीं ना कहीं इसकी वजह पर्सनल आइडेंटिफिकेशन है। लेकिन बाद में सभी थ्योरीज को रिजेक्ट कर दिया गया, क्योंकि इनका कोई भी पक्का सबूत नहीं था। कहने का मतलब ये था कि ये पूरी तरह से फैक्टलेस थी। और बाद में कुछ सालों बाद फिर एक एक्सपेरिमेंट जापान के एक साइंटिस्ट ने किया। इस एक्सपेरिमेंट के तहत 6 काली गायों के शरीर पर सफेद धारियां पेंट कर दी गई। अब देखिए, ऐसे में गाय का जो लुक था वो ज़ेब्रा जैसा हो गया। ज़ेब्रा पेंट वाली सभी गायों को जंगल में छोड़ा गया, और उसके साथ ही बिना पेंट वाली गायों को भी वहां पर छोड़ दिया गया। कैमरे के जरिए इन गायों पर 24 घंटे नजर रखी जाने लगी। ऐसे में देखिए, वैज्ञानिकों ने यह पता लगाया कि ज़ेब्रा पेंट वाली जो गाय है ना, उनको मच्छर और डंक वाली मक्खियां काफी कम परेशान कर रही थी, जबकि जो बिना पेंट वाली गाय थी उनको दर्जनों मच्छर और बहुत सारी मक्खियां हर समय परेशान कर रही थी। ज़ेब्रा पेंट वाली गायों पर मच्छरों के डंक काली गायों के मुकाबले 50% कम थे। वैज्ञानिकों ने इस बात को साबित किया कि ज़ेब्रा की बॉडी पर बनी स्ट्रिप्स उसे खतरनाक खून चूसने वाली मक्खियों और मच्छरों से बचाती हैं। लेकिन मक्खियां इन स्ट्रिप्स की वजह से दूर क्यों रहती हैं? ये एक सवाल है, और इस बात का खुलासा एक रिसर्च में किया गया। देखिए, मक्खियां जब भी ज़ेब्रा को देखती है ना, तो उनको ये लगता है कोई ग्रे कलर का ऑब्जेक्ट है। जब मक्खियां ज़ेब्रा के नजदीक जाती हैं तो उन्हें स्ट्रिप्स मूव करती हुई नजर आती हैं। मूव करते हुए इस ऑब्जेक्ट को देखकर मक्खियों को ऐसा लगता है कि ये कोई खाली स्पेस है, जिस वजह से मक्खियां लैंडिंग करने से डरती हैं और ज़ेब्रा से दूर रहती हैं। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको ये फैक्ट्स अच्छे लगे होंगे। सबसे अच्छा फैक्ट आपको कौन सा लगा हमें कमेंट करके बताएं। प्लीज हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, एंड ऐसी और वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर मेरे चैनल।